आइए, करंट जीके में आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। आपने अखबारों में जरूर पढ़ा होगा एक नाम, ये नाम सुना है, कच्चा थी वो। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है, कच्चा थी वो। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी उठा था ये मामला 15 अगस्त के आसपास 2023, तब ये मामला पहले भी उठा था। अब चुनावी चर्चाएं चल रही है, इस कारण से वो पुराने मुद्दे लोगों को रिझाने के लिए चल रहे हैं। बस किसी की बुराइयां चल रही है, किसी का कुछ, उसी का एक हिस्सा है ये, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कच्चा थी वो, ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर इसको, कच्चा थी वो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो हम इस द्वीप के बारे में बात करेंगे, ये द्वीप है कहां। देखिए, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये जो कच्चा थी वो द्वीप है, ये बेसिकली यहां पर बना हुआ है, ये यहां पर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कच्चा थी वो द्वीप है, ये यहां पर है। ये तो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में है ये, लेकिन हमें इसकी एक्चुअल कंडीशन पता होनी चाहिए, स्टेटस पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। एक तो ये पाक जल डमरू मध्य के मध्य है, उसके पास में है, बिल्कुल भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये तो हो गया। चलो यहां से लिखना चालू कर देते हैं अपने, भारत व श्रीलंका के मध्य एक निर्जन द्वीप है, मतलब यहां पर कोई रहता नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, एक निर्जन द्वीप है ये, यहां पर कोई रहता नहीं है, ध्यान रखना। और इसका जो एरिया है, बहुत ही छोटा सा एरिया है, 1.15 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है ये इसका। इसकी स्थिति वैसे तो देखिए, आपके सामने सारी स्थिति है। यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर आपको पाक जल डमरू मध्य मिल जाएगा इस साइड के अंदर। तो ये जो है पाक जल डमरू मध्य के निकट है ये, इसको आप पाक जल संधि भी बोलते हैं, पाक जल संधि भी बोलते हैं। पाक जल डमरू मध्य के मध्य है ये। यहां पर है ये, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल डमरू मध्य क्या है, भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। एक मन्नार की खाड़ी है इस साइड में पड़ती है, वो भी भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। पढ़ा भी होगा मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग अलग रहते हैं, ये सब ज्योग्राफी में अपने पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर एक द्वीप और मिलेगा आपको, एक द्वीप है यहाँ पर, उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप है, और इस पंबन द्वीप पर आप कह सकते हो कि इस पर जो है रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम स्थित है ये, क्लियर। तो स्थिति समझ में आ गई,
अब मैं इसका थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री की शुरुआत हम करते हैं इसके निर्माण से। इसका निर्माण जो हुआ था 14वीं शताब्दी में हुआ था और ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण हुआ था, मतलब ये जो द्वीप बना है ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना है। मदुरै के एक राजा थे, रामानंद के अधीन था। ये कब था? 17वीं शताब्दी में। जब ये टाइम आया तो मदुरै के राजा, मदुरै आप जानते हो तमिलनाडु से संबंधित है, मदुरै के राजा रामानंद के अधीन। रामानंद के अधीन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ब्रिटिश राज स्थापित होने लग गया था भारत के अंदर। तो ब्रिटिश काल में ये जो था मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। ब्रिटिश काल के अंदर जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके हिस्से में आ गया ये। तो 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट से ये बना, और 17वीं शताब्दी में मदुरै के राजा रामानंद के ये अधीन था। चलो आगे, इसके नीचे ऐसे एरो डाल के लिखिए, लिखिए ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में क्या था ये, यहां आगे लिख दीजिए मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ये। मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ये ब्रिटिश काल के अंदर। मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। ठीक, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, 1921 में इस द्वीप के आधिपत्य को लेकर, इस द्वीप के अधिकार को लेकर श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद हो गया। तो लिख दीजिए, एरो डाल के लिखना 1921। विवाद हुआ, ये विवाद हुआ भारत व श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। और ये जो विवाद हुआ था इसका जो कारण था, मछली पकड़ना। क्योंकि आप देखिए मछली जो है खाद्यान्न में भी भूमिका निभाती है, बिजनेस में भी भूमिका निभाती है, दोनों ही तरीके से। मछली अपने आप में क्या है, एक उद्योग है, मत्स्य उद्योग नाम भी सुनते होंगे आप। तो उद्योग के लिए तो देखिए लड़ाइयां हो ही जाती है। तो विवाद हो गया, ये हमारा है, वैसे है, चलता रहा विवाद। ले जाके इस विवाद का जो निपटारा हुआ, ये हुआ 1974 के अंदर। 1974 भारत व श्रीलंका के मध्य समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, एक समझौता हो गया। सबसे पहली बात तो मूल बात यही है कि इसके तहत यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। श्रीलंका को दे दिया गया। अब देखिए श्रीलंका को दे दिया गया, तो वर्तमान में इस द्वीप पर किसका अधिकार है?
श्रीलंका का अधिकार है, ध्यान रखना, अभी उसी के पास में है। लेकिन ये जो अधिकार है ये कुछ शर्तों के साथ है। क्या क्या शर्तें हैं? पहला पहली शर्त लिखिए, भारतीय मछुआरे जाल सुखा सकते हैं। भारतीय मछुआरे जाल सुखा सकते हैं, जो जाल है उसको सुखा सकते हैं। दूसरा लिखिए, इस द्वीप पर बने इस द्वीप पर बने सेंट एंथोनी कैथोलिक चर्च में बिना वीजा के जा सकते हैं। इस द्वीप पर बने सेंट एंथोनी कैथोलिक चर्च में बिना वीजा के जा सकते हैं, बिना वीजा के जा सकते हैं। सेंट एंथोनी कैथोलिक चर्च में बिना वीजा के जा सकते हैं। थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि ये जो आप देख रहे हो सेंट एंथोनी कैथोलिक चर्च, इसमें एक बात लिख दीजिए, यह इस द्वीप का, यह इस द्वीप का एकमात्र धार्मिक स्थल है। यह इस द्वीप का एकमात्र धार्मिक स्थल है। चलें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर का बन जाता है। द्वीप चर्चा में आ गया तो चर्च चर्चा में आ गया, और बकायदा इस चर्च की चर्चा समझौते के अंदर है। इस कारण से आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर मछली नहीं पकड़ सकते। इस द्वीप पर मछली नहीं पकड़ सकते, ठीक है, मछली नहीं पकड़ सकते हैं इस द्वीप पर। ये कुछ समझौता हुआ है, ध्यान रखना। अब आप देखिए यहां जो ये समझौता हुआ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और इस समय श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी, और श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री थी ये भी थी, महिला थी, श्री मावो बंडारनायके, श्री मावो बंडारनायके ये प्रधानमंत्री थी। और श्री माओ बंडारनायके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इसको जाना जाता है। उतार लो इसको, कई बच्चे बैठे हैं देख रहे हैं, ऐसे मत करो, ये गंभीर हो जाएगी चीजें, लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर कहोगे सर बताया नहीं अब मैं क्या करूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये अभी चर्चा में है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि 1974 में ये समझौता हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच के अंदर, और उस समय जो श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री थी
ये थी श्री माओ भंडार नायक के। कच्चा थी वो द्वीप, स्थिति पता होनी चाहिए, यहां पर है ये, इस साइड के अंदर है ये, ठीक है। तो द्वीप के संबंध में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पाक जल डमरू मध्य है उसके पास में चर्चित द्वीप कच्चा थी वो ये। और ऐसे भी बन सकता है यदि मैं आपसे कहूं कि कच्चा थी वो द्वीप का संबंध किस महासागर से है, किससे हो जाएगा, हिंद महासागर से है, ठीक है ना। द्वीपों पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो इसी तरीके से बने हुए हैं, तो ये चर्चा में था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। क्लियर, इसके आगे की बात कल करेंगे।